हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाइए, है ना। तो मैंने सोचा दोस्त क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैं आज कुछ सिलेबस बताने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का, और मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँगा और क्या करूँगा सब वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जाइएगा तो बहुत बड़ा पछताइएगा। अगर बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इसको ज़रूर पास कीजिएगा, और हाँ 12th के भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं, क्योंकि 12th बाद जाइएगा ना फर्स्ट ईयर में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त सिलेबस हमारा ये है, दिखाई तो दे रहा है चार लेकिन है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहला हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री का, दूसरा है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जो फोर्थ है वो हमारा है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो दोस्त ये चार भले ही दिखने में दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसको चारों को पढ़ने में 1 ईयर का टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको पहले ही कवर कर दूंगा। और अलजेब्रा में हमें पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स वगैरह वगैरह पढ़ना है। ज्योमेट्री में समझ ही रहे हैं ये 12th वाला बात नहीं है, आगे की बात है। हाइगन सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, हाइगन एक प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ना है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। दूसरी बात ये हमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंट इंटीग्रल एंड इंडिफिनिट इंटीग्रल है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंट्रोडक्शन पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, साथ ही साथ वन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और नॉट ऑफ वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और डिग्री के बारे में पढ़ना है ना, वेक्टर के बारे में पढ़ना है इसमें, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो समझ रहे हैं ना, 2D और 3D के बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग क्लास 11th में और 12th में पढ़ चुके हैं, पर 2D उससे डिफरेंट है ये। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट करिए कि मैं अलजेब्रा में पढ़ाऊँगा। दोस्त अगर कमेंट लगभग 20 लोगों का आया तब मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूँगा। अलजेब्रा में पहला टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो 20 लोगों का कमेंट आना चाहिए तब मैं स्टार्ट करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा 20 लोग मिल करके, क्योंकि कम से कम 20 या 25 लोग वाच करना चाहिए। और कोशिश करिएगा आप लोग, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि जल्दी बीएससी फर्स्ट ईयर वीडियो अपलोड हो, तो आप लोग जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कई लोगों तक पहुंचे और पता चले कि बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा डिटेल जो होता है ना उसका अध्ययन इस चैनल पर यानी कि इम्पैक्ट सेंटर पर कराया जाएगा। इसलिए अपने दोस्तों को सूचित कर दीजिए कि यस यहाँ पर ऐसा होता है, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जब जिस दिन 20 कमेंट हो गया उसके एक दिन बाद मैं रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग करते क्या है, आप लोग चाहते क्या, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो कमेंट कर दीजिएगा कि ये सूचना कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, हम मिलते हैं 20 कमेंट के बाद फर्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।